आदि पुरुष का टीजर आता है और सभी लोग बात कर रहे हैं कि उसका VFX कितना घटिया है, उसमें इतने 500 करोड़ लगे हैं, प्रभास को ट्रोल कर रहे हैं कि 150 फीस लिए हैं, 150 करोड़ का फीस लिए हैं और ऐसा काम कर रहे हैं और ऐसा VFX है। प्रभास को बोला जा रहा है कि आप अपना फीस कम करके VFX को सुधार सकते थे, जबकि आप इन सब बातों को छोड़ो, आप कुछ बहुत बड़ा मुद्दा है आदि पुरुष के साथ उसको समझ पा रहे हो, जो कि आज के समय के लिए समझना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन एक जो बात है उसको सभी को समझना आवश्यक है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, कि बॉलीवुड जो है अपने घटिया मानसिकता से, घटिया प्रोपेगेंडा से जो है हमारे जो धार्मिक जो आधार है, जो हमारे संस्कृति है, उसको बर्बाद करता जा रहा है। तो आइए इस पर बात करते हैं। तो 2 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे के आसपास आदि पुरुष का टीजर आता है, हम सभी ने देखा उसको और सभी लोग लगभग लोग उससे निराश हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यही बात करें तो उसका घटिया VFX है, 500 करोड़ को बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा है कि भगवान श्री रामचंद्र को उसमें कैसे दिखाया गया, कैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है, वहाँ सैफ अली खान का लुक कैसे दिखाया जा रहा है, माता सीता को कैसे दिखाया जा रहा है, जबकि आप देखिए हमारे जो हमारे दिल में बसा हुआ है, जो भगवान श्री राम की छवि बसी हुई है, जो उनका चरित्र बसा हुआ, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आप सोचिए कि आने वाली युवा पीढ़ी जो इस फिल्म को देखेगी, उनके मन में भगवान श्री राम को लेकर क्या छवि बनेगी, वो रावण को क्या ऐसी छपरी की तरह सोचेंगे जिस पर आज मीम बन के आज उसको ट्रोल किया जा रहा है। तो सोचिए आप, जो इतने विद्वान पुरुष थे रावण, वो अपने घमंड के कारण, अपने जो गलत कार्य है उनके कारण जो है वो बर्बाद हो गया, वरना फिर वो इतने महान पुरुष थे, उन्हें सबसे बड़ा शिवभक्त कहा जाता है। ऐसे महान पुरुष के चरित्र को ऐसे लोगों से प्ले करवाया जाता है जिनको उनके महत्व के बारे में पता नहीं है। और चलो अगर हम बात हटा भी दें कि कास्टिंग की, कि कैसे लोगों को कास्ट किया गया है, तो अगर हम, क्योंकि जो है महाभारत में भी B.R. चोपड़ा के महाभारत में आप जानते होंगे फिरोज खान जो कि अर्जुन का किरदार निभाते हैं, उनसे जो डायरेक्टर ने ऐसे काम निकलवाया था, वो भी मुसलमान थे, लेकिन उनसे ऐसा काम निकलवाया गया था कि आज भी हम उनको अर्जुन के रोल में पसंद करते हैं, वो आज भी अर्जुन के नाम से जाने जाते हैं। तो वही बात है कि डायरेक्टर क्या कर रहे हैं वो सबसे बड़ा मकसद है, क्योंकि S.S. राजामौली सर की बात आती है कि उन्होंने जो बाघ वाला जो सीन था RRR में, आप दुनिया NTR का देखिए, उसमें जो है उन्होंने इतने बार उसको रिजेक्ट किया था। S.S. राजामौली जी को परफेक्शन के लिए जाना ही जाता है, कि एक सीन को वो परफेक्ट बना के रहते, भले उसके लिए 4 साल लगे, 5 साल लगे, कुछ भी लगे। इसीलिए उन्होंने जो है वो बाघ का जो VFX था, उसका CGI था, उसको इतने बार रिजेक्ट किया था और इतने बजट के साथ भी उन्होंने इतना उसको परफेक्ट लगभग बना ही दिया था। तो आप देखिए, ये होता है एक डायरेक्टर का विज़न और एक ये होता है डायरेक्टर का डेडिकेशन। लेकिन आप ओम राउत जी को देख रहे हो, यहाँ क्या प्रभास के शरीर पे, उसके प्रभास के शरीर पे यहाँ पे बॉडी बनाने के, सिक्स पैक बनाने के लिए इतना खर्चा किया गया, और ये क्या चमगादड़ की तरह दिख रहा है सैफ अली खान, किस पे बात कहते हैं, ये पुष्पक विमान है आपका, हमारी संस्कृति को क्या बर्बाद करने पे तुले हुए हैं बॉलीवुड वाले। बॉलीवुड की तरफ से आप बताइए कौन सी ऐसी फिल्म है जो हमारी संस्कृति को उच्चतम दिखाती है, गौरवशाली दिखाती है, हमारे इतिहास के बारे में अच्छा दिखाती है, हमारे देवी देवताओं के बारे में अच्छा दिखाती है। आप बताइए मुझे बॉलीवुड की ऐसी कौन सी फिल्म है जिसके कारण आपको देख के गर्व होता है। अगर आप तानाजी को छोड़ दें, उसमें भी एक आध सीन ऐसे रखे गए थे, लेकिन अगर आप तानाजी को छोड़ दें तो ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो हमारे धार्मिक, हमारे जो आस्था है उसको मजाक ना उड़ाती हो। या फिर बॉलीवुड का ये प्रोपेगेंडा हमेशा से ही चलता आ रहा है, इस पर सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बयान भी दिया था जिसका हमने वीडियो बनाया था, आप चाहे देख सकते हैं। तो ये कोई आज की बात नहीं कि बॉलीवुड जो है हमारे धार्मिक मुद्दों पर हमारे आस्थाओं का मजाक उड़ाता आ रहा है। उस वीडियो को जाके देखिए आप, सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे पूरे बॉलीवुड के शुरुआत से लेकर अभी तक जो प्रोपेगेंडा है, जो फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया गया था, हिंदुत्व का मजाक बनाया गया, उसके बारे में पूरा बताया है। लोग भले ही बोल रहे हैं कि आदि पुरुष के टीजर में जो है मॉडर्न टच दिया गया, भगवान श्री रामचंद्र को पूरा मॉडर्न तरीके से रामायण बनाया गया, तो भाई मेरे धर्म जो है मॉडर्न नहीं हो सकता। धर्म जो है अपने धर्म, अपने अस्तित्व पर इसी कारण से धर्म जो टिका हुआ है, क्योंकि वो अपने पारंपरिक परंपराओं को, अपने कल्चर को पालन किया जाता है। धर्म का आधार ही वही है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, जो ऋषि मुनियों ने हमारे इस देश के धरोहर के रूप में जो आज सजा के रखा है। तो आप देखिए हमारे जो आज की जो पीढ़ी है, वो देखेंगे प्रभास को इस तरह से लुक में, रामायण को इस तरह से, तो क्या वो क्या सोचेंगे अपने मन में कि भगवान श्री रामचंद्र ऐसे रहे होंगे, किसी को ललकार रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र का चरित्र इतना विनम्र है, वो अपने शत्रु से भी ऐसे क्रोध में बात नहीं करने वाले। भगवान श्री रामचंद्र को ऐसे डायलॉग्स दिए गए हैं कि आ रहा हूँ मैं 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने, आप देख रहे हैं चटक जाए धरती क्या आसमान, मतलब ऐसे डायलॉग्स देंगे भगवान श्री रामचंद्र जी को, और उस पर जो है ऑडियंस जो है खुश हो रही है, लोग तारीफ कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, वो लोग खुश हो रहे हैं कि क्या डायलॉग दिए गए मास फिल्म के लिए। भाई ये आपके, ये कोई मजाक फिल्म नहीं बन रहा है, ये हमारे धर्म और संस्कृति का महत्व को आप समझ रहे हो। जिस तरह से ओम राउत जी ने इस फिल्म में भगवान श्री रामचंद्र के डायलॉग को दिए हुए हैं, जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र की इस फिल्म को, जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र के टीजर में डायलॉग दिए, उससे तो ये नहीं लगता कि डायरेक्टर ने किसी भी तरह के कोई विजन में भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र को समझा है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र अगर आप जानेंगे तो एक शब्द आएगा कि परफेक्ट, मिस्टर परफेक्ट है वो। अगर आप इन उर्दू वर्ड वालों के प्रोपेगेंडा के हिसाब से अगर बात करेंगे तो उन्हें वैसे ही कहा जा सकता है।
फिल्म के इस टीज़र को देखते ये नहीं लगता कि डायरेक्टर ओम राव जी को अपनी जिम्मेदारी के एहसास है कि उनके सिर पर कितना बड़ा बोझ है कि भारतीय जनता को जो है उनके इतिहास के बारे में जिनके बारे में उनको पहले से पता है उसको अच्छी तरह से कैसे पर्दे पर दिखाना है। इसका उदाहरण आप इस बात से ले सकते हैं कि प्रभास जी ने प्रभास का एक बयान आ रहा है जहाँ उन्होंने कहा कि भगवान श्री रामचंद्र के कैरेक्टर जब उन्हें पहली बार उन्हें कहा गया कि इसको प्ले करना है तब वो डर गए थे कि क्या मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाऊँगा, क्या मेरे से हो पाएगा। तो आप सोचिए महत्व क्या होता है कैरेक्टर का, किसी चरित्र का, कि वो कितना बड़ा चरित्र है, कितना भारी चरित्र है कि कोई इसको निभा सकता है कि नहीं सकता है। तो सोचिए अब डायरेक्टर पर पूरे फिल्म का अगर उन पर जिम्मेदारी है तो सोचिए अगर वो अच्छे तरीके से इसको नहीं पेश कर पाएंगे तो उन पर और भगवान श्री राम के चरित्र पर और हमारे जो भारतीय जो आज के जो युवा है उनके सामने हमारे धर्म की कौन सी छवि आएगी। तो सोचिए डायरेक्टर के कंधों पर कितना बड़ा बोझ है कि इतने बड़े साहित्य को, इतने अनुपम चरित्र को आपको पर्दे पर दिखाना है, वो भी शुद्धता के साथ। तो सोचिए आप ये मॉडर्न टच दे के क्या आप दिखाना चाहते हो उसके साथ साथ। तो इस बात को समझना चाहिए सभी भारतीयों को और इस फिल्म को जो है विरोध करो इस फिल्म का भाई, क्योंकि हमारे संस्कृति का ये बहुत बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है इसमें। ऐसे आधार पर आप हमारे संस्कृति को जो है भारत के नए युवा पीढ़ी के सामने परोसोगे, ऐसे दिखाओगे, क्या फ़ायदा आपका इस तरह VFX लगाने का, क्या लगाने का, बर्बाद है। इससे अच्छा तो आप मोहन सागर जी के जो TV सीरियल चल रहे हैं उसको आप देख सकते हैं जाके, उसको अच्छे तरह से आपको पता चलेगा कि भगवान श्री राम जी का चरित्र कैसा है। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट जरूर बताइएगा। जय श्री राम।